तो हे गाइस, कैसे हो? मैं लेके आ गया झक्का सा वीडियो। तो जाओ वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, घर दौड़ दो। भाई का चैनल है हमारा चैनल एससी के नोट चैनल, मैं हूं सुमित। आज हम बात करेंगे फ्री फायर में बहुत सारे बंदे का एबी अकाउंट से फ्री फायर अकाउंट है तो उसका अकाउंट लॉस्ट हो जाता है, बैन भी हो जाता है, कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए उसका अकाउंट नहीं खोलता है, ठीक है। तो वही अकाउंट आप लोग कैसे रिकवर करेंगे तो यही मैं यही वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, जो भी बंदे हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें, क्योंकि फ्री फायर का लेटेस्ट अपडेट टिप एंड टिप्स वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, आपका मोबाइल पे आने के बाद आपको आपका फेसबुक पेज में चला जाना है। फेसबुक पेज पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च करना है गार्डनर फ्री फायर। तो सिंपल समय यहाँ पे सर्च कर दिया, यहाँ पे सर्च करने के बाद यहाँ पे लोड हो रहा है। लोड होने के बाद तो क्या करना है, यहाँ पे देखो एक पेज आ गया गार्डनर फ्री फायर का, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट अस एक ऑप्शन दिखाएगा, तो सिंपल सा आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आने के बाद आपको ऊपर पे आना पे, यहाँ पे देखो सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ पे गेम कॉर्नर है, गेम कॉर्नर है, यस, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आने के बाद यहाँ पे देखो लॉस्ट गेस्ट अकाउंट दिखाया है, यहाँ पे देखो लॉस्ट एफबी अकाउंट। तो सिंपल से आपको लॉस्ट एफबी अकाउंट पे क्लिक करना है। करने के बाद नीचे आ जाने का, आने के बाद यहाँ पे देखो कुछ इस तरह का आएगा, यहाँ पे देखो सबमिट ए रिक्वेस्ट। तो सिंपल सा यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिखा रहा है, मैं दिखा रहता हूँ, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो अकाउंट लॉस्ट एफबी वीकी और जीमेल डिटेक्टिव परमानेंटली, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पे आपको क्लिक करना है। करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस फिर से आ जाएगा, देखो। तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका योर ईमेल एड्रेस, मतलब आपका ईमेल देना पड़ेगा। मैं सिंपल सा मेरा ईमेल दे देता हूँ, ठीक है, मैं दे दिया। तो फिर यहाँ पे देखो दिखा रहा है यहाँ पे सर्वर, आपका आप कौन से सर्वर से हो वो आपको देना पड़ेगा। सिंपल सा मैं यहाँ पे इंडिया से हूँ, तो सिंपल से यहाँ पे मैं इंडिया सेलेक्ट कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पे देखो योर प्लेयर आईडी, सिंपल सा आपको आपका आईडी देना पड़ेगा गेम का, तो आपका जो आईडी होगा वो दे देना यहाँ पे। तो नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे देखो इन गेम नेम, आपका गेम के गेम में आपका क्या नेम था जो आपका लॉस्ट हो गया है, तो सिंपल सा यहाँ पे आपको दे देना पड़ेगा, ठीक है। फिर नीचे आ जाते, आने के बाद यहाँ पे देखो कैरेक्टर लेवल, आपका कैरेक्टर कौन सा कैरेक्टर में आप लोग आप खेल रहे थे, ओलोक या हायटो, कौन सा लेवल पे खेल रहे थे उसका लेवल देना पड़ेगा आपका उस कैरेक्टर का। फिर नीचे आए यहाँ पे देखो व्हेन वाज योर अकाउंट क्रिएटेड, मतलब आपका अकाउंट कौन सा तारीख को आपने स्टार्ट किया था खेलना, तो उसका तारीख देना पड़ेगा। पहले आपको यहाँ पे उसका तारीख देना पड़ेगा, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, मैं सिंपल से मैं 12 तारीख दे देता हूँ। फिर आपको देना पड़ेगा आपका मंथ, ठीक है, आपका मास देना पड़ेगा कितना मास हुआ। तो नेक्स्ट पे देना है आपका ईयर, ठीक है, ईयर दे देना, जो होगा आपको देना पड़ेगा सिंपल सा। गलती करेंगे तो आपका नहीं मिलेगा अकाउंट, ठीक है। तो और नीचे आ जाए, यहाँ पे देखो आर यू ए मेम्बर ऑफ ए गिल्ड, मतलब आप कौन सा गिल्ड पे आप गिल्ड में था या नहीं था, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखो आप गिल्ड पे रहेंगे तो यहाँ पे आपको यस आई एम ए मेम्बर देना पड़ेगा, और गिल्ड में नहीं है तो आपको नो आई एम नॉट ए मेम्बर देना पड़ेगा। मैं सिंपल सा यस दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखो गिल्ड नेम, मतलब आप कौन से गिल्ड पे हैं उसका गिल्ड नेम देना पड़ेगा, यानी सिंपल सा आपको गिल्ड का नेम दे देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पे आ जाते, नेक्स्ट पे यहाँ पे देखो गिल्ड पोजीशन, मतलब गिल्ड में आप क्या थे, लीडर थे या ऑफिसर था या मेंबर, आप जो भी रहेंगे तो वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल सा मेंबर दे देता हूँ, बहुत सारे बंदे मेंबर ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे आ जाते, नेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे देखो गिल्ड लेवल, मतलब आपका गिल्ड का लेवल कौन सा है, 3 है या 4 है, जो भी है आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो डायमंड फिर से आ जाते हैं, डायमंड मतलब आपका गेम में जो आपका लॉस्ट हो गया एफबी अकाउंट, ठीक है, फ्री फायर का,
तो उसका डायमंड कितना था उस अकाउंट का, आपको सिंपल सा यहाँ पे दे देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पे आते हैं उसका गोल्ड कॉइन्स, मतलब उसका गोल्ड कॉइन कितना था वो भी आपको देना पड़ेगा। तो फिर से नेक्स्ट पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखो डिड यू रिकनेक्ट इन टॉप अप योर अकाउंट, मतलब आपका अकाउंट से आपने टॉप अप किया या नहीं किया। टॉप अप किया तो आपको यस आई परचेस डायमंड्स भाई गूगल पे हो, ठीक हो, ठीक है। तो और आप डायमंड परचेस नहीं किया तो नो आई डिड नॉट टॉप अप, ये देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे देखो लास्ट लॉगिन, मतलब आप कौन सा तारीख को यहाँ पे लास्ट लॉगिन किया था अपने अकाउंट को, ठीक है, वो आपको यहाँ पे डेट देना पड़ेगा, जो भी होगा वो आपको देना पड़ेगा। तो फिर से नेक्स्ट पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखो व्हाट्स योर आईडी एड्रेस, मतलब आपका मोबाइल पे सिंपल से आपको मोबाइल पे जाना पड़ेगा। जाने के बाद यहाँ पे सेटिंग पे आ जाना है, नीचे आ जाना है, एकदम नीचे आने जाए, यहाँ पे देखो सिस्टम लिखा हुआ है तो सिंपल से सिस्टम पे चले जाना। चले जाने के बाद यहाँ पे देखो अबाउट फोन है, ठीक है, यहाँ पे आ जाना। आने के बाद यहाँ पे देखो अपना यहाँ पे नंबर दिखाएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कहाँ गया आईपी एड्रेस, रुको, स्टेटस में चले जाना। स्टेटस पे जाने के बाद यहाँ पे देखो आईपी एड्रेस, मतलब इसको आपको कॉपी करके देना पड़ेगा, ऐसे तो कॉपी नहीं होगा, आप लोग यहाँ से लिख के दे सकते हो, ठीक है। तो मैं फिर से यहाँ पे आ जाता हूँ। आने के बाद यहाँ पे देखो अभी दिया है न्यू अकाउंट डिटेल्स, मतलब आपका न्यू अकाउंट है या नहीं है, अकाउंट होगा तो आपको यहाँ पे कंफर्म करके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना पड़ेगा आपका अकाउंट का, ठीक है। तो अकाउंट का नेम आईडी सब कुछ देना पड़ेगा, न्यू अकाउंट का लिखना है यहाँ पे माई आईडी, ठीक है। आईडी देने के बाद ऐसे देने का आपका आईडी नेम यहाँ पे पेस्ट कर देना। नेक्स्ट पे आ जाता है, यहाँ पे आपको माई गेम नेम, सिमिलर से आपको माई गेम नेम देना पड़ेगा। देने के बाद नीचे आ जाना, यहाँ पे देखो माई गेम डायमंड, मतलब आपका गेम में कितना डायमंड था वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है, सिमिल सा यहाँ पे दे देना। देने के बाद यहाँ पे लिख देना है थैंक्स फॉर फ्री फायर एवरी टीम। देने के बाद नीचे आ जाना, नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे देखो ओनली रिपोर्ट विद ऑल द रिक्योर्ड इन्फॉर्मेशन विल बी प्रोसेस्ड, मतलब यहाँ पे आपको यस कर देना, यहाँ पे राइट चिन्ह क्लिक करना। आने के बाद यहाँ पे देखो ऐड फाइल दिखा रहा है, तो मैं सिंपल सा यहाँ पे देखो मेरा स्क्रीन पे मैं एक पिक दे दिया हूँ, उस पर आपको देना पड़ेगा, ऐसा ही पिक देना पड़ेगा। देने के बाद यहाँ पे देखो सबमिट कर देना होगा, ठीक है, सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा 2-3 दिनों में, ठीक है। बहुत सारे बंदे का हो गया है, आपका भी हो जाएगा, बहुत सारे बंदे का नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब आपको डिटेल्स सही सही देना पड़ेगा तो फिर होगा, और सही नहीं दिया तो आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है।